Hey guys, welcome back to VK Vlogs. This is day 4 in Da Nang in Vietnam. और आज बहुत ही sad दिन है क्योंकि आज है checkout का दिन, आज है इंडिया वापस जाने का दिन. But ये vlog exciting होने वाला है क्योंकि इस vlog में मैं आपको दिखाने वाला हूँ Vietjet की journey Da Nang से लेकर New Delhi की क्या क्या है और वहाँ का airport कैसा है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या formalities हैं. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये मेरे को पूरा ट्रिप और इसका प्राइस स्पेसिफिकली कितने का पड़ा. तो चलते हैं इंडिया की तरफ. तो हम रुके थे हाई एंड रिवर फ्रंट रिजॉर्ट में जो कि बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग लोकेशन. और एज यू कैन सी द स्टाफ वॉज वेरी कर्टियस, बहुत हेल्पफुल लोग थे. और वहां से फिर हमने पकड़ी है टैक्सी. और टैक्सी के लिए आपको क्या करना है, ग्रैब ऐप यूज करनी है. और वहां से हम सीधा निकले एयरपोर्ट के लिए. होटल से एयरपोर्ट तक की दूरी थी करीबन 3.5 किलोमीटर और इसको तय करने में हमें लगे करीबन 12 से 14 मिनट. और जो हमारा टोटल कैश बना ग्रैब के लिए वो था 52,000 डॉन्ग, विच इज इक्वल इन टू 185 रुपीज. इम्पॉर्टेंट बात ये इस एयरपोर्ट की, जो हम टैक्स रिफंड लेते हैं, अगर आप कुछ यहाँ से लेते हो और टैक्स रिफंड आपको चाहिए तो उसका काउंटर अंदर है, इमिग्रेशन करने और सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर है, बाहर नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने 3-4 लोगों से पूछा क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज था. यूजुअली बाहर होते हैं काउंटर यूरोप में, बट इसका अंदर है, अंदर जाके इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक करने का, गेट नंबर 7 के सामने, तो आप वहाँ से अपना टैक्स रिफंड ले सकते हैं. तो अगर आपने नया सामान खरीदा और आप बैड रिफंड लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. यहाँ पे सिक्योरिटी चेक क्रॉस करने के बाद उसके बगल में कस्टम्स ऑफिसर का एक ऑफिस है, उसमें आप जाइए, वहाँ से आपको स्टैम्प लगवाना पड़ेगा. और वहाँ पे कम से कम आपके 15 से 20 मिनट खर्च होंगे होंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग स्लो हैं. और आप कोशिश आपने ये भी करनी है कि आपने जो आप सामान ले रहे हो वो खोलना नहीं है, नहीं तो ये थोड़ा डाउट करते हैं. अदरवाइज इनको बताना पड़ता है कि देखो आज ही हमने खरीदा, हमने सिर्फ चेक करने के लिए खोला था. ये सब करने कराने के बाद जब आपके ठप्पे लग जाएंगे उसके बाद आपको वैट ऑफिस में जाना है, वहाँ से आपको रिफंड मिलेगा. वैट ऑफिस गेट नंबर 7 और 8 के बीच में कॉर्नर में, तो आपको वहाँ पे जाके फिर अपना वैट रिफंड लेना पड़ेगा. तो इसको इस प्रोसेस को करने में करीबन 1.5 घंटा खर्च होता है, तो अपने पास टाइम लेके आना. तो एक और पते की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल साइड में आ रहे हो, जैसे कि हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, तो खाने पीने और पानी की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं. बर्गर किंग बहुत ही ज़्यादा महंगा है. और सीधा यहाँ पे सिर्फ डॉलर्स नहीं बात करते हैं, यहाँ पे डोंग की इज्जत ही नहीं है इनके खुद के एयरपोर्ट पे. और ऑब्वियसली यू कैन पे इन डोंग्स, बट वो प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं. लाइक बर्गर किंग की एक 2 लोगों की मील करीबन 1500-1800 रुपये की है, जस्ट टू पुट अ पर्सपेक्टिव टू इट. तो एक वो है, अभी हम आ गए बोर्डिंग गेट पर, हमारी बोर्डिंग हो गई चालू, बस वाली बोर्डिंग है, सस्ती फ्लाइट है. तो बाकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ. फाइनली हम बैठ गए हैं अपनी सीट पे. बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये Vietjet भैया, इनकी इंडिगो से भी बेकार इज्जत है यहाँ पे. और क्या नाम है, 8 नंबर 32 है तो विंडो व्यू, बट इतना भी कोई बीच में पिलर है तो मूड खराब.
पहुंच गए वापस दिल्ली, जिसकी मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। और भाई ऊपर से तो धूल मिट्टी इतनी दिख रही थी ना, एक पूरा लेयर ही अलग बना हुआ था, जो कि देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। बट चलो एनी विच वे ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। सो ये सीन बना वहाँ पे, और अब देखते हैं वो वाला सीन ना जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था प्राग से वापस आते हुए। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। और हाँ, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यार, वहाँ से बर्गर किंग मत खाना। दोनों बार एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा है, मतलब पहली बार पेट में दर्द हुआ बर्गर खा के, पिछली बारी भी हुआ था इन द सेंस में जब फुकॉक से खाया था, तो दोनों बारी एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अब हम पहुँच गए दिल्ली। आप वेट कर रहे होंगे कि मैं आपको फ़्लाइट के प्राइसेस के बारे में बताऊँ। तो प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम दरांग टू दिल्ली, विच इज़ लेसर देन अ लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। सो और वीज़ा प्राइस आपको पता ही है, $25 एक ही बारी लगवाना जाते समय, एक सिंगल टाइम फीस आपको देनी है। सो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आई वॉन्टेड टू कम्पेयर गोवा एंड फुकॉक। एक बार मैं खुद भी रिसर्च करूँगा इसके ऊपर और आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। अभी हम वापस पहुँच के जा रहे हैं इमिग्रेशन के लिए। मेरा हाथ भी थक रहा है, बड़ी देर से मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ कीप वॉचिंग वीके ब्लॉग्स, और बहुत सारा कॉन्टेंट मैंने डाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप चेक करिए, बहुत सारी जगहों से बहुत सारा कॉन्टेंट है। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।